वकील जगदीश शाहवानी को 22 जनवरी को रास्ता रोककर जान से मारने और केस में पैरवी नहीं करने की धमकी देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर राज्य अधिवक्ता परिषद के वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष और भोपाल जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विजय चौधरी, उपाध्यक्ष रीना वर्मा, लाइब्रेरियन मुकेश नागपुरे और कार्यकारिणी के नेतृत्व में भोपाल के वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। अदालत के मुख्य गेट पर बड़ी संख्या में वकील इकट्ठे हुए और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं किए जाने पर विरोध में नारेबाजी की। वकीलों में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होने से भी आक्रोश था। विरोध प्रदर्शन लगभग एक घंटे तक चला। इसमें मध्य प्रदेश मंत्रालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व वकील संजय गुप्ता, जगदीश छावानी के साथ बड़ी संख्या में वकीलों ने भाग लिया। बहरहाल वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन इस तरह से वकीलों को रास्ते में रोककर किसी भी प्रकरण में पैरवी करने से रोकने की एक अपमानजनक घटना और एक तरह से दबाव क्रिएट करना और उनको डराना धमकाना, इसको लेकर बहुत नाराजगी है। इस घटना के संबंध में मैंने कोयफिजा थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। चूंकि वो अपराधी अभी तक पकड़ाए नहीं है, इसको लेकर वकीलों में काफ़ी रोष भी है। इसमें एक बात और भी है महत्वपूर्ण कहने वाली बात, यह है कि जिन लोगों ने मुझे धमकाया था वो कौन लोग थे, मुझसे ये पूछा जा रहा। धमकाने वालों को मैं तो जानता नहीं हूँ, वो तो अज्ञात आरोपी हैं, लेकिन जहाँ से ये घटना शुरू हुई थी वहाँ पे अगर थोड़ी नज़र डाली जाए, वहाँ से अगर पूछताछ या जानकारी लेने की शुरुआत की जाए, तो शायद निश्चित तौर पे वो अपराधी पकड़ाए जा सकते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।